हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक जामिया इस्लामिया एंट्रेंस टेस्ट 2021-22। यार ये बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आजकल आ रहे हैं कि अब हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है तो क्या अब भी हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि यार सच में देखें तो टाइम तो कम है, बट यस आप अब भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ती है, एक अच्छा अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है जहाँ से आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। मैंने देखा यार बहुत लोगों को एक डेढ़ महीने उसके लिए काफ़ी होता है। कई लोगों को तो मैंने ये भी देखा है कि जो 10, 15 डेज, 20 डेज या फिर 1 मंथ में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं, बल्कि आप टॉप कर सकते हैं अगर इन स्ट्रैटेजीज़ को आपको पता हो कि कैसे क्रैक करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या पढ़ना है। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता हो तो आप अच्छे से यार कर सकते हैं प्रिपरेशन। कई बार होता क्या है, आप बहुत कुछ पढ़ लेते हो, कुछ भी पढ़ लेते हो, बट जो पढ़ना होता है वो नहीं पढ़ते हो। प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए होता है, प्रॉपर अप्रोच चाहिए होता है जहाँ से आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, इजीली चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो इसी पे यार बात करने के लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ आप सबके लिए, ताकि आप सबको एक अच्छी गाइडेंस दे पाऊँ, एक अच्छा अप्रोच बता पाऊँ जहाँ से आप इजीली ये चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए यार हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसके क्या बेनिफिट्स हैं ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं बताता हूँ कि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को यार कन्फ्यूज़न है कि ज्वाइन कैसे करेंगे, ज्वाइन नहीं हो रहा है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, यानी कि कमेंट पिंड कमेंट में दे दूंगा। जो कमेंट सबसे टॉप में होगा मेरा पिंड किया हुआ, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। लेकिन बहुत लोगों को इशू क्या है, वो जब लिंक में जाते हैं तो वो लिंक इनवैलिड बताता है, टाइम आउट, बहुत सारे इशूज़ आते हैं, बहुत सारे कंप्लेन आता है मेरे पास कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा सर, तो अब कैसे क्या करें। तो उसके लिए आप टेलीग्राम में जाना, टेलीग्राम में जाकर के वे टू हील लिखना, इसी तरह से आपको लिखना जैसे यहां लिखा हुआ है WAY, ये न्यूमेरिक में 2 लिखना, उसके बाद HEAL लिखना, कोई गैप नहीं देना। आप वे टू हील अब इस तरह से जब लिखोगे तो यार मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ लोगो सेम है जो यूट्यूब का लोगो है, मेरी अपनी पिक लगी हुई है, आप वहाँ से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये मेरा चैनल है। आप उसको ज्वाइन करना है और उसके बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है, और आगे मैं स्लाइड्स में और भी बताने वाला हूँ कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों चाहिए आपको ये सारी चीज़ें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी है, ये सब मैं आपको बताता हूँ। देखिए वहाँ पर आपको कट ऑफ मिल जाता है, यानी कट ऑफ प्रीवियस ईयर का आपको पता चल जाता है कि प्रीवियस ईयर में आपके कोर्स में कितना कट ऑफ गया था, यानी कि कितने मार्क्स में सेफ स्कोर है जिससे आपका इजीली एडमिशन हो जाता है या फिर एडमिशन होने के बहुत चांसेस है। उसके बाद वहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर मिलता है, आप जिस कोर्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाता है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है चैनल पर, तो आप मुझे किसी भी वीडियो में कॉमेंट कर लेना या फिर मुझे इंस्टाग्राम में बता देना। मेरी इंस्टाग्राम आई डी यहाँ दिख रही होगी, ये वाली मेरी इंस्टाग्राम आई डी है IM_Shahara, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करना, मुझे बता देना कि सर ये मेरे कोर्स का पेपर वहां मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो मैं यार वहां अपलोड कर दूंगा। दूसरी बात, नोटिफिकेशन एंड अपडेट, सारा नोटिफिकेशन जो भी जामिया अलीगढ़ या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कोई ऐसा नोटिफिकेशन जो मुझे लगता है कि नहीं मुझे आप तक पहुंचाना चाहिए, मुझे आप तक ये पहुंचाना चाहिए, तो मैं आपको यार वहां पर अपलोड कर देता हूं। तो ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाता है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अब यार हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं प्रॉपरली कि आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है। देखिए आप जो भी कोर्स आप चूज़ किए हैं फिर जो भी कोर्स के लिए आप अप्लाई किए हो, उसके लिए यार सबसे पहले आप नंबर ऑफ़ सीट्स चेक करो कि आपके पर्टिकुलर कोर्स में नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, मतलब कितनी सीट अवेलेबल है। उसके लिए यार आपको जाना होता है जामिया इस्लामिया के प्रॉस्पेक्टस में, प्रॉस्पेक्टस में टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया, वहाँ जाकर के आप सर्च करेंगे प्रॉस्पेक्टस तो आपको मिल जाएगा। अभी अपडेटेड प्रॉस्पेक्टस मैं वहाँ अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ जाकर के पेज नंबर 50 के अप्रॉक्स, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जो भी आप जब देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। वहां आपको अपने कोर्स का नंबर ऑफ सीट्स देखना जरूरी है। इससे होता क्या है, जब आप नंबर ऑफ सीट्स देखते हो ना तो आपको यार एटलीस्ट ये पता चल जाता है कंपटीशन कितना होने वाला है, कितने लोगों के साथ आप कॉम्पीट करने वाले हो, नंबर ऑफ सीट के हिसाब से आपको लग जाता है कितना टफ होने वाला है, कितनी मेहनत की आपको जरूरत है। उसके बाद यार प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपको देखना जरूरी है, ये भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगेन इसलिए मैंने बोला है कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। अब मैं बताता हूँ कैसे मिलेगा, जिस कोर्स का आप एंट्रेंस देना चाह रहे हो उस कोर्स का लास्ट ईयर में जो भी रिजल्ट आया था मैं वहाँ अपलोड कर दिया था, तो इसलिए आप उस रिजल्ट को देखना, आप अपने कैटेगरी का, अपने सब्जेक्ट का, अपने कोर्स का ईजिली कट ऑफ फाइंड आउट कर सकते हो वहाँ। अगर इन केस हो सकता है कि आपके कोर्स का वहाँ अपलोड ना हो रिजल्ट, तो आप मुझे कमेंट कर लेना किसी वीडियो में। कई बार होता है कि आप एक कमेंट करते हो तो मैं देख नहीं पाता हूँ, जनरली यार आप लोग सब गवाह हैं, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। अगर आपका जेन्युइन कमेंट रहता है, आपका सच में कुछ आप पूछना चाहते हो, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाया तो आप 2-3 वीडियो में या 2-3 बार कमेंट कर देना, ताकि वो हाईलाइट हो जाएगा, मैं देख लूँगा, फिर मैं वो आपका वो कट ऑफ या फिर आपके उस कोर्स का पेपर, आपके पर्टिकुलर कोर्स का पेपर मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में। तो एक चीज़ ये करना है।
थर्ड चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन आप यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखो, जो कि ऑलरेडी मैंने बता रखा है टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो आप, एनालाइज करो, बल्कि देखना और एनालाइज नहीं करना है, उसको अच्छे से सॉल्व करना है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए आपका, उससे आपको बहुत हेल्प मिलता है। सबसे पहली बात, उससे पेपर का पैटर्न आपको पता चलता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चन आप करोगे, किस तरह के नहीं करोगे। कई बार ऐसा होता है बच्चे बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, बहुत डेप्थ में पढ़ लेते हैं, बट क्वेश्चंस बहुत ईजी आते हैं। वहां से आपको पता चलेगा आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है या फिर कोई सप्लीमेंट्री बुक लेना है, कोई गाइड लेना है, जो भी चीज़ें हैं वहाँ क्वेश्चन के लेवल से आपको पता चल जाएगा। अगर आप डेडिकेटली प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको करना ही होगा। एक टॉपर या फिर एक ऐसा स्टूडेंट जिनको सिलेक्शन चाहिए होता है या फिर जो हर हालत में सिलेक्शन लेते हैं, वो ये सारी चीज़ों पर अच्छे से ध्यान देते हैं। तो आपको ये चीज़ करना है, नंबर ऑफ सीट्स चेक करने हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है। अब हम लोग मेन बात करते हैं प्रिपरेशन के लिए। अब यार ये सारी चीज़ें आपने कर लिया, अब आपको चेक करना सिलेबस, आपके कोर्स का क्या सिलेबस है। सिलेबस के लिए मैंने अगेन वीडियो बना रखा है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वेबसाइट में यार सिलेबस अवेलेबल है, मैंने वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देखना। इस वीडियो के एंड में मैं वो वीडियो दे दूंगा और फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना। ये वीडियो जब खत्म होगा तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा कि आप सिलेबस कैसे डाउनलोड करेंगे। स्टिल कुछ कोर्सेज हैं, बहुत कम कोर्सेज हैं, जैसे कि मैंने चेक किया एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का, या ऐसे कई कोर्सेज ऐसे मिलेंगे आपको जिसके सिलेबस अपलोडेड नहीं है। अदरवाइज ज़्यादातर कोर्सेज के सिलेबस अपलोड है ऑलरेडी वेबसाइट में, जो कि अगर नहीं है तो होप कि जल्दी हो जाएगा, या फिर आप पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत कम चांसेस होता है, बहुत कम, कि कोई चेंजेस हुआ होगा सिलेबस में, या होगा माइनर चेंजेस हो सकता है, ज्यादातर चेंज नहीं होगा। तो आपको सिलेबस अगर आपके पास नहीं है न्यू वाला, तो आप ओल्ड सिलेबस को फॉलो करें, बट सिलेबस को देखना जरूरी है। सिर्फ देखना नहीं, आपको सिलेबस याद होना चाहिए, मतलब जहन में एटलीस्ट होना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक है, हमेशा मतलब आपके जहन में ये होना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक है, ये मुझे करने हैं। अब बात आती है अगेन फिर बहुत इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर। यार इस पोर्शन को बच्चे इग्नोर करते हैं, आपको इग्नोर नहीं करना है। आपके पेपर में करंट अफेयर आ रहा है तो आपको पढ़ना है, एक एक चीज़ पढ़ना है, डीपली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन बैठो, बच्चे क्या करते हैं एग्जाम से 10 दिन पहले चाहते हैं कि मैं करंट अफेयर 1 वीक में पूरा कवर कर लूं, तो ये नहीं हो सकता। करंट अफेयर आपको पहले से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। उसके लिए आप कोई मैगजीन फॉलो कर सकते हो, कोई वेबसाइट फॉलो कर सकते हो, कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो। बड़े बड़े काफ़ी चैनल्स हैं जो आपको यार बिल्कुल अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, तो आप उससे पढ़ के आप इजीली करंट अफेयर कर सकते हो। अगर आप चाहोगे मैं 10 डेज में 15 डेज में पढ़ लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको पहले से करंट अफेयर पढ़ना है, डेली बेसिस पे पढ़ो तो और अच्छी बात है, अदरवाइज वीकली 10 डेज पे पढ़ना ही पढ़ना है। कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट फॉलो कर रहे हो तो उसको अच्छे से फॉलो करो, डेडिकेटली फॉलो करो। कोई मैगजीन, कोई यूट्यूब चैनल, मैगजीन से भी आपको फॉलो हो जाएगा, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो इजीली कवर हो जाएगा, यूट्यूब चैनल कवर हो जाएगा, आपको बस काम करना है। अगर आप ये सारी चीजें नहीं करोगे तो फिर यार मुश्किल है, अगर ये सब चीजों को फॉलो करोगे तो आप इजीली कर ले जाओगे। अब यार लास्ट वन, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए होता क्या, अगर आपके पेपर में रीजनिंग और मैथमेटिक्स आ रहा है तो आप इसको अच्छे से करना ज़रूर करना। ज़्यादातर बच्चे क्या होता है कि वो रीजनिंग और मैथ से दूर भागते हैं। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से उनके लिए तो ओके, बट जो आर्ट्स कॉमर्स या अदर बैकग्राउंड से, कॉमर्स वाले भी कर ही लेते हैं, बट जो बच्चे आर्ट्स से ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से, वो इससे भागते हैं। आपको नहीं भागना है, आपने एटलीस्ट 10th तक पढ़ा होगा, या नहीं भी पढ़ा है तो क्वेश्चन के लेवल और क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट इतने ईजी होते हैं कि आप ईजिली कर ले जाओगे। अगर 20 मार्क्स का ये आ रहा है तो आप का, अगर साइंस बैकग्राउंड है तो आप पूरे 20, 17, 18 ला सकते हो। अगर साइंस बैकग्राउंड नहीं भी है तो आप मेहनत करके अच्छा खासा मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हो। यार एक्चुअली स्कोरिंग पार्ट होता है, बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, बट इसको इग्नोर नहीं करना, ये स्कोरिंग पार्ट होता है आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स। इसको अगर अच्छे से करोगे आप तो ईजिली कर ले जाओगे। यार यही सारी चीज़ें थी, अगेन मैं आपको कहूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आपको चीज़ें समझना है। यार ये आपको बहुत हेल्प कर होने वाला टेलीग्राम चैनल, आप जब ज्वाइन कर लोगे ना तो चीज़ें वहाँ पे बहुत कुछ मिलता है आपको। फिर मैं सोच रहा हूँ यार आप लोग बताएं व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस इन द सेंस कि प्रिपरेशन के लिए तो नहीं, बट अब यार अपने कन्फ्यूजन्स, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, चूँकि वहाँ सारे बच्चे होंगे तो वो लोग भी आप एक दूसरे से आप लोग वो कर सकते हैं, यार कम से कम कम्युनिकेट कर सकते हैं, चीज़ें पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं प्लान कर रहा हूँ कि आपके लिए एक क्विज ऑर्गेनाइज करूँगा, मैं डेली बेसिस पे एक दो क्वेश्चंस अपलोड करूँगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, आपके मेमोरी को, आपके थोड़ा प्रिपरेशन को यार बूस्टअप करता रहेगा। सो यार दैट इज़ फॉर टुडे, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।